सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सुप्रा से स्पोर्ट्स सेगमेंट में टोयोटा वापसी करने वाली है, अपनी न्यू कार लेकर आ रही है स्पोर्ट्स सेगमेंट की सुप्रा, जिसका नाम है टोयोटा की कारें आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसके पीछे इनकी कीमतें हैं। एक समय था जब टोयोटा अपनी टोयोटा स्पोर्ट्स सेगमेंट में एंट्री को तैयार कारों के लिए जाना जाता था, जिसे कंपनी ने 2002 में बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर टोयोटा स्पोर्ट्स सेगमेंट में एंट्री को तैयार है। टोयोटा अपनी कार सुप्रा को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। इस कार को टोयोटा और BMW ने 6 साल पहले बनाना शुरू किया था, जिसे कंपनी 2019 में होने वाले डेट्रॉइट मोटर शो में पेश कर सकती है। फिलहाल इस कार का लॉन्च होने से पहले फ्रंट एंड लीक होने की खबर है। टोयोटा की यह कार 2014 FT1 के कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है। इसमें उस कार की तरह ही डबल रूफ को भी बरकरार रखा गया है। कार के इंटीरियर को BMW Z4 से जोड़कर देखना काफ़ी हद तक सही है। सुप्रा में एक्सटीरियर साइड में नोज़ का डिज़ाइन काफ़ी एवरेज है। वहीं इसके इंजन के कॉन्सेप्ट में ग्लास कवर नहीं दिया गया। कार में 4 या 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया गया है, जिसके आउटपुट का अंदाज़ा लगाना अभी सही नहीं होगा। टोयोटा जल्दी ही वापसी करने जा रही है स्पोर्ट सेगमेंट में अपनी न्यू कार सुप्रा के साथ। देखते हैं कब तक ये लॉन्च करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।